हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं आरती की ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो। सो आज की वीडियो में इट्स नॉट अबाउट मुसाफिर की गाड़ी या उसका अपग्रेडेशन, बट इट्स अ लिटिल स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू i20 जिसका स्टीरियो, जिसका सिस्टम दिल्ली में लाउडेस्ट है। सो देखें, और उसमें एक अपग्रेड भी हो रहा है आज। सो लेट्स सी। एज यू गाइज मस्ट नो कि ये गाड़ी जो है वो मोटर कॉन्सेप्ट में आई है, और मोटर कॉन्सेप्ट में ही इसका एक अपग्रेड हो रहा है। सो लेट्स गो एंड सी। एंड वो गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, सो वील सी। और अपग्रेड और कुछ नहीं, पायोनीर का जो नया वाला एंड्रॉयड सिस्टम आया है वो अपग्रेड है, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी शायद सिस्टम लग ही रहा है गाड़ी में। ये कार है और यहाँ पे हेलो भैया, इतने परेशान क्यों? सेटअप हो रहा है। हेलो हेलो। सो गाइस, आप लोग जो भी गाड़ी देख रहे हो, ये है आप लोगों की दिल्ली की सबसे लाउडेस्ट i20। अगेन, हम लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आकृति को मैंने बोला कि एक वीडियो बनाना और ज्यादा जरूरी है। और बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार, ऑडियो से हटके ये बहुत टेस्टफुली गाड़ी बनी हुई है, ठीक है। अभी सबसे पहले इस तरह बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक बार गाड़ी का अगर पूरी बॉडी लाइन भी चेकआउट करोगे, कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई हम केवल ऑडियो में पैसे लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम केवल एलॉय में पैसे लगाते हैं, लेकिन इस गाड़ी में पूरा ओवरऑल अगर आप लोग बॉडी किट की बात करो, रियर डिफ्यूजर की बात करो, फ्रंट डिफ्यूजर की बात करो, ए टू जेड सब काम हुआ है। मतलब अगर स्पॉइलर भी देखोगे, वेरी क्लासिक स्पॉइलर, और इसमें थोड़ा ओवरलुक देखोगे, इसमें ब्लैक का रैप वाला एक लुक दिया हुआ जो कि बहुत अच्छा लगता है, समथिंग वेरी यूनिक। बेस्ट थिंग, मतलब दिस इज द कार फॉर ट्रू कार लवर। बिल्कुल। और एक चीज और है, एक बार अगर एलॉयज की तरफ देखेगी, सो अगर इसमें देखेगी तो इसमें जो रेशियो है टायर का और एलॉय का, तो इसमें केवल वैसे दिखेगा कि ये रोड में चलती कैसे होगी, क्योंकि टायर का रेशियो बहुत कम है। जिन भाई की गाड़ी एक बार उनको दिखाया था, एक बार भाई नाम बता दो, ईशान भाई है। और भाई कितने इंच के अलॉय है? 20 इंच के अलॉय डलवाए, और कंपनी रिकमेंड करती है 16। इतने तो हमने क्रेटा में अपनी किया में भी नहीं लगवाए, राइट। 14 आता है, लेकिन 16 तक आप अपग्रेड कर सकते हो, दैट इज रिकमेंडेड बाय जो आपकी जितने भी नॉर्म्स होते हैं। लेकिन एक चीज और बताया, तो भाई 20 इंच में लगा के सबसे दूर कहाँ तक गाड़ी लेके गए? सबसे दूर ऐसे तो आप बाहर जाते हैं, इसको लेके नहीं जाते हो भाई? देखो भाई, इसमें स्टेपनी भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत हाई एंड सिस्टम है, उसके बारे में जो है बिल्कुल मोटर कॉन्सेप्ट वाले भैया आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बार अगर आप लोग देखोगे, ये बेसिकली साइड स्कर्टिंग आप बोल सकते हो, ये यूनिवर्सल वाली है, ये जो यूनिवर्सल आती है फ्रंट पीछे आगे वाली, एक बार दिखाई दे देखो, तो थोड़ा बचा के चलाना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को इतना पता नहीं होता कि भाई ये गाड़ी जो है कहाँ पर खड़ी होगी, लेकिन स्टिल तो इसमें तो फिर हमको आई थिंक स्पीड ब्रेकर वगैरह में भी दिक्कत होती होगी ना? स्पीड ब्रेकर में दिक्कत होती है, लेकिन ये वही बात है, ये गाड़ी केवल धीरे चलाने के लिए, ये तेज नहीं चलती है। यहाँ इसका सिर्फ सिस्टम तेज चलता है, गाड़ी धीरे चलती है, सिस्टम तेज चलता है। एक बार इंटीरियर चेकआउट करें, ये येलो कलर का बहुत ही ऑसम इंटीरियर हुआ है। मैं तेरे को कह रही थी ना, अपनी किया में भी करा लेते हैं, येलो कलर का इंटीरियर बहुत अच्छा लगेगा व्हाइट कार के साथ। मेरी टियागो रेड कलर के, वरना मैं उसमें भी करा लेती। तो येलो में रेड में येलो वाला लुक भी तो अच्छा है ना, अंदर दिखाई पड़े वो फिर जोकर वाली कार हो जाएगी। बट ये बहुत ऑसम लग रहा है, डिटेल्स भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ओवर भी नहीं करा रखा, बहुत अंडर भी नहीं करा रखा, एकदम मैनेजेबल है बिल्कुल। और एक चीज और दिखाते हैं, पीछे फुल देखो कितना बढ़िया येलो, और भैया ने 70 मैट्स लगा रखे हैं, 70 मैट्स, और इसमें भी येलो का टचअप है, नाइस। कस्टम मेड है सब कुछ, जितना भी और का पूरा कस्टम मेड, मतलब एक तरीके से आप इंटीरियर कह सकते हो, जो भैया ने करवाया था, लुक्स वेरी गुड। और बाकी जितना अपग्रेडेशन है, जैसे ऑडियो से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो पाजी समझाएंगे गाड़ी में क्या है। अगेन, बेसिक चीजें नहीं है, बहुत हाई एंड चीजें हैं, और जितने भी म्यूजिक लवर्स हैं उनको ये चीज ज्यादा रिलेट होगा। अब एक बात बताओ, ये फिल्म लगा रखी है, इसमें चलान है कि नहीं है? इसमें चलान है भाई, बता सकते हैं इसमें चलान है? आज तक हुआ है, इसमें चलान है आज तक हुआ है, ये भी क्वेश्चन। लेकिन चलान अगर हुआ हो तो फिर तो वो फाड़ देते हैं ना? हाँ, फाड़ देते हैं। लेकिन आप बच गए, ठीक है। ये कुछ थोड़ी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, हर किसी की नहीं पाड़ी जाती है जो आपकी फिल्म होती है। इसमें क्या है, लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी, जब इसके ग्लास टेंट थे, ठीक है, वो किसी ने वीडियो से कैप्चर करके वो टैग कर दिया दिल्ली पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को। अच्छा, उस पे मेरा चलान आ गया था। इस पे क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसा होता है। तो भाई करने वाले कुछ भी कर सकते, नंबर नहीं दिखाना। हाँ, नंबर में एडिट कर, नंबर ऐड कर दियो। हाँ, नंबर नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन यार ये मतलब इतने जलने वाले लोग हैं, बहुत पब्लिक है, तो ऐसे जल लो। सो भैया की गाड़ी में जो अभी सिस्टम लग रहा है, वो लग रहा है पायोनीर का एंड्रॉयड सिस्टम, जो कि है टैबलेट वाला, जो कि डिटैचेबल है, प्लस ये 8 इंचेस है, तो आप इसको देख सकते हो एक बार, डिटैचेबल पायोनीर का सिस्टम 8 इंचेस वाला। इसको आप घर पे यूज सकते हो, ट्रिप
घर पे यूज कर सकते हो, ट्रिप पे यूज कर सकते हो और व्हीकल में भी यूज कर सकते हो. दिस इज वेरी नाइस. मतलब अब आपको सिस्टम की चिंता करने की जरूरत नहीं. जैसे पुराने जमाने में लोग सिस्टम को निकाल के अपने डब्बे में रख लेते थे, अब आप उसको घर ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है हमको. सो इसका आउटपुट अभी हम एक बार देखेंगे और गाड़ी के सिस्टम का भी देखेंगे. इस बात करते हैं गाड़ी के सिस्टम की और देख सकते हो यहाँ पे रॉकफोर्ड फॉसगेट. ये वूफर है ना, मुझे लगा था पहले लोग पॉसगेट बोलते थे. इन्होंने बहुत सही पढ़ लिया पहली बार, है ना. मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं अच्छे स्कूल से पढ़ी हूँ. ये परफेक्शन है. अगेन आप लोग जो गाड़ी देख रहे हो, हम लोग हमेशा से क्लेम कर रहे हैं, पहले ही मैंने क्लेम किया था कि ये हमारी दिल्ली की सबसे लाउडेस्ट i20 है. एंड अगेन हम लोगों ने इसमें बोला था कि अगर कोई लोग क्लेम करना चाहे तो क्लेम कर सकते हैं, हमारे पास कोई रिवर्ट नहीं है. मैं लाउडेस्ट के बारे में कुछ नहीं, हाजी तो लाउडेस्ट के बारे में कुछ बोलते नहीं है. तो थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो बता देंगे आखिर. तेरे को देख के क्या लगता है कि अगर इतना बड़ा बॉक्स ये बना हुआ है तो इसका क्या रिस्पॉन्स होता होगा? मेरे अकॉर्डिंग इसका रिस्पॉन्स होगा कि अगर ये चलेगा तो यहाँ पे तीन चार चीजें तो हिली जाइए, इंक्लूडिंग द कार जिसकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन होने वाली है. बारे में बताओ जरा क्या है ये, कैसे बनाया जाता है? देखो ये हेवी बेस कैटेगरी में होता है, कि हमको एसपीएल कैटेगरी कहते हैं, तो ये थोड़ी हेवी वूफर होता है. अगर आप जितना ये देखें तो अराउंड इतना तो ये वूफर है. इतना बड़ा वूफर डाला है इसके अंदर क्यों? ओहो, तो मैं टेक्निकल बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन इट्स अराउंड 40 kg का वूफर. 40 kg का 40 kg, दैट्स अ लॉट. ठीक है, इसके तू उस तरफ से आ जा. इसके पीछे गाड़ी की बैक सीट के पीछे काफी एक तगड़ा सा वो लगा हुआ है, पूरा तामझाम. सो ये है क्या क्या पाजी, आप बताओ पहले, आप गेस करो क्या. तो गेस करिए क्या एम्पलीफायर होंगे इनमें से, कौन कौन से हैं? डीडी आई थिंक ये एम्पलीफायर है, ये मोनो एम्प है, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी वूफर. और इसको भाजी ये भी बताओ कि मोनो एम्प किस चीज के लिए होता है? ये तो बहुत हीट कर रहा है गाड़ी में, बज रहा था इस वजह से. तो हां अभी तो ये बहुत कम हीट है, नहीं तो अगर ये अभी फुल पोटेंशियल पे चलेगा तो इसमें आप ऑलमोस्ट अंडा ऑमलेट बन सकता है. और मोनो एम जो है वो बेसिकली किस लिए होता है पाजी, ये भी बताओ. टू बी प्रिसाइज, मोनो एम स्पेसिफिकली, मोनो एम का मतलब सिंगल चैनल, मोनो चैनल, वो सिर्फ वूफर्स को ड्राइव करने के लिए होता है, यानी कि वूफर बजाने के लिए. हाँ, वूफर्स को इतना बड़ा वूफर है तो उसके लिए इतना बड़ा मोनो एम्प भी लगाया उसको बजाने के लिए. और क्या कॉस्टिंग है बाजी इसकी, जरा कॉस्टिंग की तरफ बताओ पहले. देखिए ये जो मोनो एम्प है ये भी अराउंड 1,80,000 का है, 1,80,000 रुपए, 1,80,000 का इसी प्राइस का है ऑलमोस्ट. ओके, तो ये सिर्फ मोनो एम्प और ये सब वूफर का करीब करीब 3.5 लाख रूपए होगा अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, इसके बाद जो दो आते हैं 4 चैनल. अब इसमें इतने हेवी बेस को मैचअप करने के लिए हमने लाउड ट्वीटर्स और लाउड मिड रेंजेस लगाया जो वोकल्स के लिए होता है. ओके, क्योंकि अगर सिर्फ बेस आते रहेगी तो घड़गड़ घड़गड़ घड़गड़. सही बात है, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या बज रहा है. और एक चीज और बता रही थी, तेरी गाड़ी में जो है टियागो में हरमन का सिस्टम आता है, तो तेरे को क्या लगता है ये उससे लाउड होगा क्या होगा? उससे बहुत लाउड होगा, ऑब्वियसली बात है यार, वो इतने की गाड़ी नहीं है, इतने का इसमें सिस्टम लगा हुआ है. हरमन, इट्स हरमन, हरमन नहीं है वो. ठीक है, और भाजी ये क्या लगा हुआ ये बता दो जरा इसके बाद. ये जो है ये अल्पाइन का साउंड प्रोसेसर लगा हुआ है. ठीक है, ये एक क्लैरियन का बेस कंट्रोलर है, इसको क्रॉसओवर्स भी कहते हैं. अच्छा, तो जैसे बाकी गाड़ियों में जिसमें छोटा सबवूफर लगता है उसमें इतना सा होता है बेस कंट्रोलर, इसमें इतना बड़ा नॉर्मली. इसमें बेस कंट्रोलर ये भी एडिशनल डिवाइस था, हालांकि इसकी बहुत रेंज होती है, लेकिन हाँ अगर बेस को आपने फर्दर ट्यून करना है, उसके क्रॉसओवर, उसके आउटपुट वगैरह सब कुछ, फेज वगैरह कंट्रोल करना है, तो उसके लिए लगा है. लेकिन मतलब ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है कि जो बहुत ही एकदम प्रोफेशनल होते हैं, मतलब एक्सट्रीम केसेस में अपने सिस्टम को ट्यून करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी नॉर्मली अल्पाइन का भी प्रोसेसर उस रेंज में नहीं आता. तो नॉर्मली बहुत सारी आपकी ऑडियंस है जो सेटअप से रिलेट ना कर पाए, लेकिन ये आज हम जो आपको दिखा रहे हैं एक्सट्रीम दिखा रहे हैं, मतलब समथिंग एक्सट्रीम. मैं लाउड भी नहीं कहूंगा, दिस इज एक्सट्रीम ऑडियो सेटअप, के दिस इज द एंड ऑफ ऑडियो सेटअप का. ये मतलब एंड है इसके बाद, मतलब अगर आप कुछ सुनने के लिए जाओगे तो आपको इससे हैवी सिस्टम कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इससे जरूरी जो चीज है वो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं. आप लोग अभी डोर पैनल्स देख रहे हो, इसमें आप लोगों को जो ट्विटर्स दिख रहे होंगे अगेन, यहाँ पे चारों डोर्स में हमने ट्विटर लगाए. ये जो डोर्स में आप लोग ट्विटर्स देख रहे हो, सो दीज आर दी प्रो ट्विटर्स, जो कि बोलते हैं कि जिनको लाउड सुनने की बहुत ज्यादा आदत है और जो कहते हैं कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा आवाज चाहिए क्योंकि कान में चुभनी चाहिए, तो ये वाली जो चीज है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा. अरे थोड़ा सा इसमें एक चीज और बताओ, जो फ्रंट के उसमें जो कि हम लोगों ने अभी न्यू कुछ किया है, क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं देखा था, इवन मैंने ये वीडियो में इंक्लूड भी नहीं किया था, तो यहाँ पर आपको एक अलग चीज देखने को मिल रही है. यहाँ पर आपको एक अलग चीज देखने को मिल रही है, आपका ट्विटर मिल रहा है. अगेन ये आपको प्रो ट्विटर पता है, ये प्लेसमेंट हुआ है. ये और इसका क्या यूज है? एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ये सब पाजी ने अपने आप कटिंग करके लगाया ना? नहीं, ये कोई अपने आप जादू थोड़ा होगा, ये मतलब अपने एंड से कटिंग करके लगाए और ये बहुत परफेक्ट कट में लगे हुए, इसमें एक्स्ट्रा कटिंग नहीं हुई है. दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. स्टॉक लोकेशन आती है जो कंपनी के कहते हैं ना लोकेशन, वो यही लोकेशन आती है. ठीक है, ये दोनों चीजें ओवर एंड अबव लगी है, कंपनी के प्रोवाइडेड लगी है, लेकिन हाँ
तरीका वही होता है कि कस्टमाइज चीज भी लगे और ऐसा भी ना लगे कि आफ्टर मार्केट काम हुआ है। हाँ, वो तरीका है कि कोई भी अगर एक लेमैन देखेगा तो उसको नहीं लगेगा कि नया काम हुआ है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो आप नोटिस नहीं करोगे ये चीज। एक बार अगर अंदर की तरफ आते हो तो सबसे जरूरी चीज, अगर आप लोग इस वीडियो को पता नहीं कब देख रहे हो, जब मेरी वीडियो आ चुकी है उसके बाद अगर देख रहे हो, ये पायनियर का फर्स्ट एंड्रॉइड है जो कि ऑफिशियली इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है और ऑफिशियली पहली बार ये इंडिया में लगाया जाएगा। किसी गाड़ी के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन हुई है और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप लोग वीडियो देख चुके हो तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। इसकी बहुत लेवल तक टेस्टिंग हम लोगों ने कर ली। अगेन, यूट्यूब में चलाने में और वीडियोस नॉर्मल चलाने में आउटपुट का थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन स्टिल अजी हम लोग सेटिस्फाई है। शान भाई भी इधर है, तो शान भाई एक बार बताओ, थोड़ा फीडबैक दो अपना कि जैसे आपको पेन ड्राइव लगा के सुनने की आदत ज्यादा, तो अगर इंटरफेस बात करें, अगर पायनियर आप यूज करते थे आपको कहीं ना कहीं लैग करता था कि यार यूट्यूब चलना चाहिए इसमें, तो अगर ये अब ऐड हो जाता है तो क्या ये प्लस पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट? प्लस पॉइंट है। आपको समझ में नहीं आ रहा है पसी है, अगर ये आज अगर ये अनकम्फर्टेबल हो रात तक तो सुबह आ जाते हैं कि पाजी भाई मेरी दुकान खोलने से पहले खड़े हो। नहीं चलो ठीक है, लेकिन फाइनली अब ये हो गया, ये अच्छे नोट पे हो गया। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लेम किया था वो कितना 8 लाख का था, मैंने इंटीरियर दिखा दिया ऑलरेडी, येलो कलर का बहुत ऑसम इंटीरियर है, हमें किया में भी कराना चाहिए, व्हाइट कार में इट्स लुकिंग ऑसम। अगर येलो नहीं कराना तो ग्रीन करा दो, ब्लू करा लो, पिंक करा लो, गो फॉर पिंक, आई वुड से गो फॉर पिंक। मेन चीज इसमें क्या है, तो आप लोगों को मैं अभी यहाँ पर इसका आउटपुट रिस्पांस सुनाने वाला हूँ। अगेन, इट्स अ वेरी फेमस कार। अगर आप लोग किस तरफ मतलब ज्यादातर ये गाड़ी किस तरफ चलती है, दिल्ली एनसीआर में घूमती है, लोकल में घूमने फिरने फेमस कार जो दिल्ली एनसीआर में चलती है। अगेन, हेटर्स गोना हेट, लोग कहेंगे नहीं भाई हमारी गाड़ी इससे तेज बसती है। ये ईमेल आईडी है आकृति वाले में, अगर आप लोग चाहो उसमें कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में बता सकते हो, जिसमें आप लोग अगर आपके पास इससे लाउड गाड़ी है, इट्स अराउंड 3000 RMS, अगर आप लोगों के पास है तो यू कैन क्लेम इट और क्लेम करो, और उसके बाद उसकी भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम दोनों गाड़ी का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि हमें उसकी वीडियो बना के जो है ऑडियंस के सामने आएंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग एंजॉय करो उसका आउटपुट और जरूर बताना कि आपको रिस्पांस कैसा। तो गाइज, मुझे एक क्वेश्चन आया दिमाग में, उछल उछल के मैं पूछना चाहती हूँ कि कल जैसे हमने गाड़ी की राहुल की गाड़ी में टेस्ट किया था तो हमने सिर्फ इग्निशन ऑन किया था, गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन इस सिस्टम के साथ हमें गाड़ी स्टार्ट करने की जरूरत है बिफोर प्लेइंग इट, ऐसा क्यों? तो बेसिकली जितने भी हाई एंड सिस्टम होते हैं जिसमें इतने सारे एम्पलीफायर लगे, अगेन पावर लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, तो आप अपनी ओरिजिनल बैटरी की पावर से इन सब चीजों को रन नहीं कर सकते हो। आप लोगों को जो आप लोगों ने बड़ा सा बूफर लगा देखा है उसके नीचे स्टेपनी नहीं है, वहां पर एक रॉकेट की बैटरी आती है, सेपरेट बैटरी फॉर द ड्राई बैटरी होती है, बेसिकली वो इन चीजों को रन करने के लिए यूज किया जाता है। एंड अगेन, सुपर स्पेशल चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने आउटपुट सुना, आप लोगों को मजा आया होगा, लेकिन अगर आप लोग इसका और अच्छा आउटपुट सुनना चाहते हो तो आकृति के किसी मतलब इंस्टाग्राम में जाना, आकृति क्या है 7811, आकृति 7811 लिख देना, बेसिकली जैसे मुसाफिर 7811, आकृति 7811 लिख देना, और आप लोगों को वहां पर इसका एक नॉर्मल आवाज में जो आउटपुट मिलेगा। सो आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय करी। गाड़ी के सिस्टम को चेक करने का टाइम आ चुका है, प्लीज प्ले द सॉन्ग।
पूरा हिलता हुआ दिखेगा अभी। ये चीज है जो मतलब थोड़ा इंस्पायरिंग है और मैंने भी ये चीज सोची है और पाजी और मैंने इस चीज के बारे में डिस्कशन भी किया था। ये अच्छा लगा आज हमें लाइव दिख गया। उस टाइम पे हम कुछ और सोच रहे थे कि कुछ और चीज होगी लेकिन उसके ऊपर पूरी लाइट का भी अब कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो गया ना। पहले लोग क्रोम क्रोम भरते थे, अब ब्लैक क्रोम का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो थोड़ा सा मेरे को एलॉयज भी ब्लैक पसंद है। ठीक है, चॉइस चॉइस वाइज है लेकिन अगेन 20 इंच एलॉयज है। अभी लगे किसी गाड़ी में? और अपनी गाड़ी में लगाऊंगे ना, और कोई नहीं कराता भाई क्योंकि ये शौक वाली चीज है। बहुत से लास्ट वीडियो में कमेंट भी थे कि भाई दो दिन नहीं चलेंगे घर तक जाते भाई। याद है आपको उस दिन वो वीडियो डाली थी? कितना टाइम हो गया उस वीडियो को डालने में? तीन महीने हो चुके हैं। इट वाज अ सुपर हिट और तब से चल रही है, तब से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखा एक बार दिखाना जरा कैसे होता टायर। और एक चीज और, सबसे बड़ी बात और ये रफ चलाते हैं। और एक चीज और, ये बहुत रफ चलाते हैं, उसके बाद भी ये सही चल रही है। 10,000 चल चुके हैं ये। अगेन ऐसा नहीं है कि आप इसको उछालोगे कहीं से, लेकिन आराम आराम से जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसका कंटेंट अच्छा लगा। और ये मेरा नेफ्यू है, इसका नाम है मिस्टर अर्णव गोयल। से हेलो एवरीबॉडी। हेलो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो लिखिए AKRITI7811 यानी कि आकृति 7811। बोलो सब्सक्राइब करो, प्लीज की बात तो मान लो। ओके सो थैंक यू। बेल आइकन भी दबाना है। थैंक यू गाइस।